तो आज फिर से हम आ गए हैं स्टूडियो। आज हम लोग कलेक्शन देखने वाले हैं अपर्स का, शर्ट्स में क्या नहीं है, ये टी शर्ट्स में क्या है ना। चलो यार देखते हैं। आए एक और स्टूडियो पे यार, ये अलग स्टूडियो और बाकी कुछ बिना कहे स्टार्ट करते हैं। ये शर्ट है, ये विस्कोस फैब्रिक में है, इट्स गोना कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज। ये एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पेंट है, या फिर आप देख सकते हो ये कलर बहुत अच्छा है और ये लाइट फैब्रिक है तो ये चलेगा, इस समय चलेगा। बाकी ये टी शर्ट कलेक्शन है, ये टी शर्ट मुझे अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आती है। आपको समझ आती है, यू शुड ट्राई दिस वन एंड दिस गोना कॉस्ट यू अराउंड, मेरे हिसाब से तो 300 के आसपास होनी चाहिए एंड 400 रुपीज की है। फैब्रिक ठीक है, हल्का सा रेगुलर फिट में, नॉट ओवरसाइज, रेगुलर फिट है। और अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये अच्छी टी शर्ट लग रही है यार, लुक एट दिस टी शर्ट, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ टाई एंड डाई। ये अगर फ्रंट में है और बैक में एक बहुत ही क्या कहते हैं टाइपोग्राफिक प्रिंट है, इंस्पायर्ड बाय द न्यू वर्ल्ड, इट इज़ लुकिंग नाइस। और 400 के हिसाब से ठीक है यार, 400 के हिसाब से मुझे अच्छी लगी एंड दिस लुक्स ऑन रिलैक्स फिट में, नॉट ओवरसाइज, नॉट क्वाइट ओवरसाइज। अमेजिंग सा प्रिंटेड शर्ट का कलेक्शन, फैब्रिक बहुत लाइट है, बिल्कुल अच्छा फैब्रिक नहीं है एंड दिस गोना कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज़। फैब्रिक के हिसाब से मुझे समझ नहीं आई, रेट ज़्यादा ही लग रहे हैं, मतलब फैब्रिक ही ठीक नहीं है तो फिर क्या रेट की बात करना। ये एक डेनिम शर्ट है, इट लुक्स गुड, ये चारकोल में है, चारकोल कलर होता है, क्वाइट ब्लैक नहीं है। और दिस गोना कॉस्ट यू कहाँ है, 800 रुपीज़। 800 के हिसाब से ठीक ठीक है, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि यार बहुत सस्ती है, बहुत महंगी है, बट इट लुक्स गुड, ये अच्छी लगेगी, बहुत मोटा फैब्रिक नहीं है तो विंड समर्स में आप वियर कर सकते हो आराम से। और दिस शर्ट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, और ये 600 रुपीज़ में है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, थोड़ा सा नीटेड सा फैब्रिक, मतलब ट्रांसपेरेंट वाला फैब्रिक होता है ना, देखो आपको पता चल रहा होगा, और ये अच्छा भी लग रहा है और ये पैटर्न भी अच्छा है, रेगुलर फिट में है और 600 रुपीज़ में बहुत अच्छा स्टाइल है। गॉट वन मोर थिंग, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस टी शर्ट इज लुक्स कूल, ठीक लग रही है, थोड़ा सा प्रिंट ऐसा है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड बैक में ये लिखा फ्रीडम ऑफ थिंग्स, ये पता नहीं क्यों लगा है, तो लग रहा है कोई पैच लगा हुआ है, बट कोई बात नहीं। ये है 400 रुपीज़ में, 400 के हिसाब से फिर भी ठीक है, लेकिन नेक अभी आप देखोगे थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा सा लटका हुआ है तो इग्नोर कर सकते हो। ये एक स्पोर्ट्स फैब्रिक में टी शर्ट है, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो जिम जाते हैं और रनिंग करते हैं, 300 रुपये में बिल्कुल सही है और अच्छी भी लग रही है। फैब्रिक हल्का सा मोटा है, किसी को कट स्लीव पहनने का शौक है तो ये कट स्लीव देख सकते हो यार आप लोग, 500 रुपीज़ का। ये आप रेगुलर वियर में ही पहन सकते हो, बहुत अच्छा स्टाइल है, ट्रैवलिंग कर रहे हो बहुत अच्छा लगेगा, हुडी है। और ऐसे ही इसमें ऐसा दूसरा कलर है, ये भी 500 रुपीज़ में, आप देखोगे तो ये रिब्ड शेप ऑफ यहाँ पे स्लीव्स दे रखी है तो ये अच्छी लगती है, स्टाइलिश लगती है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। यहाँ पे कुछ जैकेट्स, सॉर्ट ऑफ जैकेट्स लगी हुई है, इस समय तो सीजन नहीं है इतने मोटे पहनने का तो मैं तो इग्नोर ही करूँगा, बट दिस इज़ लुकिंग नाइस। और हमेशा की तरह साइज़ इसमें नहीं है, 900 रुपये का जैकेट है, बहुत मोटा है, इग्नोर करना। और ऐसे ही कुछ टी शर्ट्स यहाँ पर लगी हुई है, रेगुलर टी शर्ट है वी नेक में, लुक एट दिस वन, ओकेश है और आई थिंक 200-300 रुपये में होगी रेगुलर वियर पहनने के लिए, हाँ 200 रुपये में, तो उसके हिसाब से ठीक है, वी नेक है, लोगों को पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और ये कुछ ऐसी चेक शर्ट है, दिस गोना कॉस्ट यू अराउंड 800 रुपीज़ एंड दिस इज़ नाइस, दिस इज़ लुकिंग क्वाइट गुड, किसी को फॉर्मल के हिसाब से चाहिए तो वो देख सकता है। कुछ पैटर्न्स लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि जैसे कलर गिरा रखा है कुछ, बहुत मोटे फैब्रिक में है यार, ब्लैक है ऊपर से और ये बहुत मोटा फैब्रिक है, जैसे डेनिम वाला फैब्रिक होता है ना वैसा फैब्रिक है। एंड दिस गोना कॉस्ट यू 700 रुपीज़, और ऐसे ही एक डेनिम शर्ट है, ये डेनिम शर्ट इज़ लुकिंग नाइस, ये अच्छी स्टाइलिश लग रही है। और इसका टैग किधर है यार, बट मुझे टैग नहीं दिख रहा है इसका, एंड श्योरली दिस इज़ अराउंड 800 रुपीज़। और ऐसे ही कुछ एक और चेक शर्ट मुझे दिखी यार, दिस इज़ नाइस, ये अच्छी लग रही है। और किसी का भी पता नहीं यार टैग कहाँ है, ये रहा टैग मुझे मिल गया है, और ये है 800 रुपीज़, ये 800 रुपीज़ के हिसाब से मस्ट बाय हो सकती है, अगर आप लेयरिंग करते हो तो लेयरिंग में बहुत स्मार्ट लगेगी। वाओ, ये वाला मुझे पहले भी ये पैटर्न पसंद आया था 400 रुपीज़ में, अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऐसा वीडियो देखो। और लेकिन इसमें हमेशा आपको एक दिक्कत होगी, आपको इसमें पैटर्न मिलना मुश्किल होगा, बाकी ये मुझे अच्छी लगी, सीज द डे। ये फैब्रिक भी अच्छा है, प्रीमियम फैब्रिक है, आप देखोगे तो ये आती है रिब्ड वाला फैब्रिक है पास में से, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये रिप वाला फैब्रिक है, दिस गोना कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज़, सही है, ये वाली टी शर्ट अच्छी है। मुझे बहुत अमेजिंग सी टी शर्ट दिखी है, ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, अगर मैं पास से दिखाऊँ तो इसमें ही पैटर्न है फैब्रिक में, एंड दिस गोना कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज़, बहुत अच्छी है, फ्लोरल कलर है, मॉव कलर है, सबसे अच्छी बात है फॉलर पैटर्न है, मॉव कलर है तो इसमें अच्छी लग रही है। देखो डमी ने भी पहन रखी है, तो ये मैं तो कहूँगा कि ऐसी टी शर्ट्स तो जरूर बाय करना, और ऐसी शर्ट देखो इसमें लिखा व्हाट्स इन,
ये थोड़ा सा क्रोशे में है, क्रोशे लुक्स वेरी गुड, ये थोड़ा सा ठीक है, लाइट फैब्रिक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, 600 रुपये में बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसी एक डमी नहीं है, फ्लोरल प्रिंट नहीं, सॉर्ट ऑफ प्रिंटेड शर्ट पहनी है 600 रुपये में, फैब्रिक ठीक है, ट्राई कर सकते हो। कुछ फॉर्मल शर्ट्स हैं यार, ये फॉर्मल्स थोड़े से मोटा फैब्रिक है एंड इट्स गोना कॉस्ट यू 800 रुपीज़। कलर्स अच्छे हैं, अगर कोई भी पैटर्न आप लेना चाहते हो तो ऐसे पैटर्न आप देख सकते हो, अच्छे कलर्स हैं, इट इज़ लुकिंग नाइस। ये पूरा शर्ट्स का भंडार है यहाँ पे, लेकिन डेनिम जैकेट्स हैं, शैकेट है या जो भी है, लेकिन अभी बाय नहीं करना, बहुत मोटा फैब्रिक है। हाँ, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहाँ के लिए बाय कर सकते हो, जैसे मनाली या कहीं पे जा रहे हो, 1000 रुपीज़ में है। ये चेक शर्ट है, ऐसी चेक शर्ट है, ये बेसिक चेक शर्ट होती है जो हमेशा वियर करे हुए अच्छी लगती है, 800 रुपीज़ में। ये मुझे अच्छी लगी शर्ट यार, ये ना कूल सी है, डबल पॉकेट शर्ट है, दिस कॉन कॉस्ट यू 800 रुपीज़। फैब्रिक अच्छा है, लाइट कलर है, ये हमेशा समरिश कलर होता है, अगर बेस्ट ट्राउजर कैरी करोगे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें दो कलर है, अगर एक ये है और एक ये वाला कलर है, ऑलिव, दोनों अच्छे लग रहे हैं। ये पैटर्न्स बिल्कुल नए हैं, ये मैंने पहले भी नहीं देखे हैं स्टूडियो में, फ्लोरल पैटर्न्स है और ये अच्छा लग रहा है। ये लाइट फैब्रिक है, 500 रुपये का डेली यूज़ के हिसाब से बहुत अच्छी है, 500 रुपीज़ के हिसाब से आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और ऊपर से यार पता क्या, ये लाइट है, लाइट फैब्रिक है, तो इस गर्मियों में बिल्कुल आपको मस्त सा फील देने वाला है। ये फैब्रिक मुझे इनका नहीं जमता है, बाकी 600 रुपीज़ में है, ये थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे मैंने और भी ब्रांड्स में ये पैटर्न देखा हुआ है, बट ये अच्छा लगता है, ये फैब्रिक बहुत प्यारा है। ये आपको अगेन पड़ जाएगी 600 रुपीज़ की, तो ये तो एक बार ट्राई करना बनता है यार। और ऐसे ही एक और टी शर्ट है, ये थोड़ा सा होता है ना कि, देखो दिखा देता हूँ पास में से, सेल्फ में फैब्रिक है तो ये अच्छा लग रहा है। एंड दिस वन कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज़, मे बी 400 रुपीज़, फिर तो ठीक है यार। कुछ पोलो है यार, ये मुझे बहुत स्मार्ट पोलो लगी, 500 रुपीज़ के हिसाब से पोलो बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छी लग रही है, प्रीमियम फील दे रही है, बहुत अच्छी लग रही है, कलर बहुत प्यारा है। इसमें एक वाइट कलर भी था, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड, वाइट अच्छा है और ये बहुत स्मार्ट लग रहा है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, 500 रुपये में बहुत अच्छा पीस है। कुछ अमेजिंग से पैटर्न, ये बहुत अच्छा शर्ट लग रहा है यार, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस एंड दिस गोना कॉस्ट यू 600, मस्ट हैव। और ये तो मेरा फेवरेट है यार, ये यहाँ का सबसे अभी तक का फेवरेट मुझे लगा, बहुत प्रीमियम शर्ट लग रही है, फैब्रिक ठीक ठाक है लेकिन प्राइस के हिसाब से 600 के हिसाब से भाई मस्ट बाय है। ये मत छोड़ना, मॉफ कलर वैसे ही बहुत ट्रेंड में और ये बहुत अच्छा लगता है वियर करा हुआ। और ऐसे ही इसमें मॉफ कलर में एक और आपको, तो चिकनकारी वर्क की तरह आपको शर्ट दिख रही है, ऐसे ही ये टी शर्ट देखो यार, ये बहुत प्रीमियम टी शर्ट लग रही है, 700-500 रुपीज़ में, तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। अगर आपको ब्लैक पसंद है, ब्लैक ऑल टाइम फेवरेट है, सब पे अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, 600 रुपीज़ के हिसाब से आप बिल्कुल मिस मत करना। तो ऐसे ही ये सारे ब्लैक में एक और हैं, ऐसे ही वाइट है और वाइट है, देखो यार ये वाला उसी में कलर है जो मैंने मॉफ दिखाया था। तो ऐसे पैटर्न बहुत स्मार्ट लगता है, अगर आप पार्टी करते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस काइंड ऑफ पैटर्न। और ये वाली शर्ट भी क्रोशे में है, 600 रुपीज़ की है और ये अच्छी लग रही है। और कुछ बेसिक की अगर बात करूँ, ये 200 रुपीज़ में है, बिल्कुल बेसिक टी शर्ट है, अच्छी लग रही है, डेफिनेटली यू कैन ट्राई एंड बढ़िया लगती है सब। नॉट द लीस्ट यार, ये टी शर्ट बहुत कूल है और 400 रुपीज़ की, ऐसी टी शर्ट आपको भर के यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ को कूलेस्ट टी शर्ट चाहिए और कहीं पिकनिक में जा रहे हो, घूम रहे हो, गोवा जा रहे हो, तो ऐसी टी शर्ट डेफिनेटली बाय कर सकते हो, तो ये बहुत अमेजिंग लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, हमने तो शॉपिंग कर ली है, मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी शॉपिंग करी, बैग हम दूसरा लेके आए थे क्योंकि हम बैग के पैसे खर्च नहीं करते। थैंक यू सो मच यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, बाय बाय, टेक केयर।